Next question The uh, Bengal Sadeshi age, uh, age at first appears to be present a very simple picture of united movement against uh, partition, gradually splitting into various trends examined. So, when we see Bengali movement, it looks like a unified Sadeshi movement Chaluraya against the partition of Bengal. But when we delve deeper into it, there are four major trends which has been identified by Sumit Sarkar. Okay. And that is something which we have to understand here.

कि वट वाज दिस दिस अबाउट तो दिस अगेन्ट द पार्टीशन इवेंचुअली ठीक है ना तो अनाउंसमेंट विच कम कलकटा टाउन हॉल्स तो वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था फिर सेकेंड पार्ट में जाना चाहिए था कि वट वाज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दिस स्वदेशी मोमेंट तो स्टूडेंट हैज डायरेक्टली जम्प टूवर्ड द फेसिस इवन दो हिस्टोरोग्राफी वाइज प्रेजेंटेशन वाई और उस पर फोकस करना चाहिए यहाँ पे पॉलिटिकल अपोजिशन फ्रॉम द मॉडरेट्स कंस्ट्रक्टिव सब देश और आत्मशक्ति पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट एंड द रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की जगह अच्छा वर्ड होगा एक्सट्रीमिस्ट वर्ड यूज करो बिकॉज इट्स मच ऑफ ए नेगेटिव कॉनोटेशन दैट वी हैव तो उनको फिर एक्सप्लेन कर देना बस बेसिक बेसिक लेवल से और दैट्स दैट्स वर्ड योर आंसर वुड बी ठीक है तो स्वदेशी मूवमेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्लीज अ गुड काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग जस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन विच कैन बिकम क्वेश्चन कम इन योर एग्जाम इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ लेना ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा वि सी द कंक्लूजन स्वदेशी मूवमेंट दो स्टार्टेड एज एन एंटी पार्टी अचीव सब्जेक्टिव फाइनलमेंट इन नाइनटीन इलेवन बट द पायर ऑफ स्वराज इट फ्यूल्ड बन टिल इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस फ्राम ब्रिटिश रूल तो काफ़ी अच्छा मतलब पोइटिक तरीके से जो कंक्लूजन लिखते हैं ना वो लिखा हुआ है एंड यू कैन यूज़ दिस, है ना कोशिश कर सकते हो इस पूरे कोर्स की ब्यूटी यही है यू कैन बोरो ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हेयर टू एनरिच योर ओन आंसर राइटिंग हाई सो वेलकम टू प्रैप करियर टूडे आम गोन टू डिस्कसक अबाउट अ प्रोग्राम विच कैन हेल्प यू इम्प्रूविंग योर आंसर राइटिंग स्किल्स आंसर राइटिंग स्किल्स एज ऑल ऑफर्स नो आर वेरी पैरामाउंट फॉर गेटिंग मैक्सम मार्क्स इन ऑप्शनल एंड ऑप्शन में अगर मार्क्स लेकर आने तो अभी आपको ये सब चीज़ स्टार्ट करनी पड़ेंगी सो इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव हो सकता है कुछ केसेस में आपका प्रलिम से साल ना निकला हो राइट इन ट्वेंटी फोर सो यू हैव टू टेक द लॉन्ग रोड बहुत लंबा रोड है आप हम आराम से तीन चार महीने ऑप्शनल को अच्छे से अभी डेडिकेट कर सकते हैं राइट सो ड्यूरिंग दिस टाइम वन यू हैव अ लॉड ऑफ टाइम उसको अच्छे से यूटिलाइज किस तरीके से करें दिस इज वेयर डॉन कम्स इन डॉन का जो मेजर फोकस है वो किस चीज पर रहता है कि आप लोग आंसर राइटिंग सीखिए बिकॉज खुद से जब आंसर राइटिंग करने जाते हैं वो रेगुलर नहीं रह पाते कभी सोचते हैं पी क्यों क्यू लिखते कभी सोचते पी वाई क्यों सारे रिपीट नहीं होते दस ऑलवेज एम्बिगुटी कि लिखना क्या है इवेलुएट कौन करेगा डिस्कशन कौन देगा सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम क्या करते हैं दो चार दिन रेगुलर रहते हैं फिर छोड़ देते हैं जो गैप्स आ जाते हैं प्रिपरेशन के अंदर इन सबको हटाने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द डॉन प्रोग्राम दिस इज दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम द फिफ्टीथ ओके मंडे से स्टार्ट करेंगे नाउ हाउ many क्वेश्चन टू be covered? तो अब हम धीरे धीरे बात करेंगे मैं आपके साथ शेड्यूल भी शेयर करूँगा इसका शेड्यूल में क्या है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑन डेली बेसिस आप लगभग दो क्वेश्चन को लिखने वाले हो ठीक है एक का आप आंसर लिखोगे एक पे आप ब्रेन स्ट्रॉम करोगे ब्रेन स्टॉमिंग इज वन टेक्नीक विच वॉज एबल टू हेल्प मी इन अचीविंग थ्री ट्वेंटी फोर मार्क्स दैट्स वाई आई ऑलवेज़ प्रोमोट कि भाई इसको आप जरूर करिए ऑन डेली बेसिस ऑन फ्यू क्वेश्चन सो देट की हर बार लिखने का हो सकता है टाइम ना हो सो so आप आधे घंटे के अंदर आराम से एक क्वेश्चन लिख सकते हैं और एक को ब्रेन स्टॉम कर सकते हैं एंड द नेक्स्ट फोर मंथ्स है ना जो चार महीने ये प्रोग्राम चलने वाला है यू विल भी एबल टू कम्प्लीटली चेंज यूर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग वर्ड शुड बी दी अप्रोच तो अप्रोच बहुत सिंपल है अप्रोच जो होनी चाहिए इस तरीके की होनी चाहिए कि भाई आप अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे एज पर द शेड्यूल इट सेल्फ एंड देन ऑन डेली बेसिस यूल राइट फ्यू आंसर्स हाउ टू एनालाइज द आंसर्स तो वो हम कुछ तो आपको इवेलुएशन करके देंगे ही देंगे एंड फिर आपको जो डिस्कशन मिलेगा वीडियो उसके बेसिस पर भी आप इवेल्यूएट कर सकते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है स्ट्रक्चरिंग और अच्छी कैसे हो सकती है हाउ टू इनकलकेट द डिसिप्लिन डिसप्लिन डिसिप्लिन का बहुत ही अच्छी एक ही तरीका है अच्छा दैट यू कैन राइट द आंसर ओनली फॉर वन डे जो जिस दिन क्वेश्चन आएंगे उसी दिन आपको लिख के नेक्स्ट डे तक सबमिट करना पड़ेगा रफली कि एक बजे आपका आंसर हम हाँ, अपलोड करेंगे नेक्स्ट डे वन वन पी तक आप वो ब्लॉक हो जाएगी विंडो और डिसिप्लिन इसी तरीके से आ सकता है अदरवाइज व्हाट विल हैपन ऑलवेज दे विल बी लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग वंस ठीक है तो आप पेंडिंग में हमें कभी नहीं जाना है फोकस रहना चाहिए देखो आप स्किल पे कि हम अपने आप को अपस्किल करें राइट दिस इज नॉट अ प्रोग्राम फॉर दो स्टूडेंट उन्होंने कभी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा ही नहीं है जो पढ़ चुके हैं एक लेवल का नोट क्रिएशन कर चुके हैं सकता है स्मॉल so, नोट्स ना हो एटलीस्ट हैंड आउट्स हैं तो उनको आप स्मॉल में नोट्स में कन्वर्ट करें एंड पी वाई की उसको सॉल्व करें दिस इज अबाउट अप स्किलिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली बेसिस पे देन मेंटरशिप मिलेगी आपको है ना यू यू गेट फ्रॉम फ्रॉम मी अदर फैकल्टीज अटरशि फॉमी एसोसिएटेड विद फैकल्टीज्सो फॉर द हिस्ट्री ऑप्शन देन ऑल्सो द कवरेज कवरेज गोइंग टू बी मैसेज पूरा सिलेबस को ही हम कवर करेंगे दिस इज रफली द यू पी एम सी अप्रोच विच इज

ये सारी चीज़ें इसमें होंगी डेली आपको ब्रेन भी करनी है डेली आपको कुछ आंसर्स लिखने भी हैं डिस्कशन वीडियो मिलेंगे मॉडल आंसर्स मिलेंगे पर्सनलाइज मेंटरशिप सेशन रहेंगे चार महीने तक प्रोग्राम चलेगा 48 एट आवर्स के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको इवेलुएट हुई कॉपीज मिल जाए सो दिस इज समथिंग विच इज फ्रॉम हर साइड और राइट एंड जैसे हम देखें देखो कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपको आंसर फ्रेमवर्क मिलेगा अच्छे से हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में क्या करना है बॉडी में क्या लिखना है कंक्लूजन में क्या लिखना है राइट एंड पूरे तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा पूरा आंसर एंड फाइनली जो कंक्लूजन भी होता है उसमें हमें कंट्री कंटेंट एनरिचमेंट बॉक्स डालते हैं जिसमें हम हिस्टोरी बहुत बच्चों को हिस्टोग्राफी में दिक्कत दिखा मैं इसमें क्या करूँ तो हिस्टोग्राफी यहाँ पे तरीके से दी होती है सो so, इस तरीके से आपके पास बहुत अच्छे मॉडल आंसर्स निकल के आ जाते हैं एंड साइड बाय साइड यू आर एबल टू इंप्रूव योर आंसर राइटिंग अब देखो आ, हमने क्या किया है कि रफली बीस एक दिन में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है ट्वेंटी डेज ना तो, तो रफली एक महीना आपको एक पार्ट में लगने वाला है इफ़ यू सी लाइक स्टार्टिंग फॉर ट्वेंटी टू पंद्रह तारीख से आपको कुछ वीडियोज़ दिए जाएंगे इनिशियली सेवन एट वीडियोज़ विच आर रिलेटेड विद आंसर राइटिंग बिकॉज आंसर राइटिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना भी तो पड़ेगा थोड़ा समझना भी तो पड़ेगा आंसर लिखते कैसे हैं तो वो फर्स्ट वीक आप उसमें स्पेंड करिए वंस यू स्पेंड दिस फ्रॉम ट्वेंटी टू स्टार्ट राइटिंग पोर्टल एक्टिव हो जाएगा आपका एक्सेस के थ्रू आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं सो स्टार्टिंग फ्राम मंडे आर्कोलॉजिकल फिर आपका लिटरेरी सोर्सेज प्री हिस्ट्री प्रोटो इंडस वैली फिर सैटरडे संडे आप रिवाइज करिए बाकी चीज़ें भी अगर आपकी प्रायॉरिटीज़ हैं जी एस में उसको भी इंकॉर्पोरेट करिए देन वीक टू अगेन एंशंट इंडिया वीक थ्री वीक फोर तो लगभग आपका जो वीक फोर होगा वो लगभग फिनिश हो जाएगा बाई सिक्सटीथ बाई सिक्सटीनथ ऑफ अगस्त uh, आपका एंशंट फिनिश हो जाएगा तो लगभग चार महीने देखो ये प्रोग्राम चलने वाला है और आपको डेली बेसिस पे ये ध्यान रखना कि भाई जो पोर्टल का एक्सेस है वो एक दिन के लिए मिलता वो वो आ, वो लिए तो तो है फॉर राइटिंग आंसर्स ओके सो दैट इज समथिंग विच वी सी हेर तो ओवरऑल तो जो आपके वर्किंग डे uh, हो जाएंगे मतलब जो आपको लिखना आंसर्स वो एट्टी से एट्टी के बीच में रहेंगे ठीक है और जो प्रोग्राम है वो पूरा चार महीने के आसपास ही निकल जाता है सैटरडे संडे आप इंक्लूड करोगे तो लगभग चार महीने हो जाएगा सो दिस इज द अप्रोच विद विच यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल बट मेक श्योर दोज ऑफ यू आर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम एटलीस्ट एक लेवल का बेसिक आपको आना चाहिए अगर आपको आता है तभी आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे इफ़ यम यू कम्प्लीटली न्यू आई वुड रिकमेंड अ फाउंडेशन कोर्स ए ई पी के साथ चलिए ओके okay? उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा दिस इज फॉर दोज पीपल हु वांट टू बी डिसिप्लिन कि भाई आंसर राइटिंग सिर्फ नहीं हो पा रही बाकी सारी चीज़ें सही हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है सो इफ यू आर एट दैट लेवल मेक योर लेवल बेस्ट बिकम पार्ट ऑफ दिस एंड चार महीने में ना लगभग आपका